ऑब्वियसली बात है, एक तो थार है, गैंगस्टर लुक तो वैसे ही है इसमें, कार्बन फाइबर में, और वैसे स्टेयरिंग व्हील पे फुल रैप्ड। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई आज हमारे पास खड़ी है थार ब्लैक कलर में। ये 2021 मॉडल है, जब ये लॉन्च हुई थी भाई, जब ही ली थी। और इसमें जो मॉडिफिकेशंस हो रखी है मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि भाई बेसिक मतलब जो आपके बेसिक नीड्स है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो गाड़ी में, जो आपको ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े और आपकी जो ऑफ रोड की कंडीशन है वो सारी फुलफिल हो जाए। तो गाइज चलते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो हेडलाइट्स, इसकी ये रिंग वाली हेडलाइट है जो इसमें थार में आती है। बेसिकली इसमें बहुत बेसिक लुक वाली है ये, माइनस वाली, जिसे भाई लोग माइनस वाली ही कहते हैं इसे। और इसमें यहाँ पे फॉग लैम्प्स लगे हुए हैं, ये भी प्रोजेक्टर वाले फॉग लैम्प्स है जो कंपनी के, वो हटवा दिए थे। थोड़ा आउटपुट दिखा देता हूँ भाई हेडलाइट का कैसे है। तो ये तो भाई ऊपर की हेडलाइट्स है, जो इनका डी आर एल की रिंग देख सकते हो बीच में माइनस, और ऊपर की जो रिंग है आउटर लाइन में, और यह लो बीम का है, नीचे इसके हाई बीम है, ठीक है गाइज। और ये अपनी नॉर्मल DRL है, वहाँ पे जलती हुई नहीं दिख रही वो इसमें वीडियो में, देखो अब थोड़ी सी दिख रही होगी ब्लिंक करती हुई। बाकी भाई फॉग लैम्प है, सो चेकआउट कर सकते हो आप। IPH के प्रोजेक्टर लगवा रखे भाई ने इसमें, और काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका रोड पे, मतलब एक प्रेजेंस, गाड़ी की प्रेजेंस और ऊपर से थ्रो काफ़ी अच्छा है। वो वाला प्रोजेक्टर ख़राब हो रहा है इसलिए वो चल नहीं रहा। बाकी आप ये चेकआउट कर सकते हो सामने से कैसी लग रही है, कैसी लुक आ रही पूरी गाड़ी की। और गाइज एक चीज़ जो आप अपनी थार में करा सकते हो विदाउट अलॉय व्हील चेंज कराए, वो है टायर साइज़ अपग्रेड कराना। तो यहाँ पे मैक्सिस के ब्रावो सीरीज़ के ऑल्टरनेट टायर लग रहे हैं, इनका सेक्शन जो है वो 285/60R18 है, 18 इंचज़ के रिम आते हैं इसमें। और यहाँ पे ये भाई अलॉयज ब्लैक पेंट करा रखे भाई ने, जिन भाई की गाड़ी है। दरअसल वो वीडियो में आना नहीं चाहते थे तो इसलिए मैं ही कर रहा हूँ, सामने से जो चीज़ मेरे को दिख रही है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ इसमें। और बाकी भाई साइड में इसमें टिंट हो रखी है, ये चेकआउट कर सकते हो, 50% टिंट है ये पूरी आगे पीछे से लेके। और ये टिंट ग्रीन वाली है, नॉर्मल नहीं है, जो ब्लैक टिंट होती है वो नहीं है, ग्रीन वाली टिंट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर से फील कुछ भाई ऐसी है इसकी। बाकी हम पीछे की साइड आए तो गाइज इसमें टेल लाइट में कोई चेंज नहीं है, जो इसके रिफ्लेक्टर है वो चेंज है बस। सो ये चेकआउट कर सकते हो गाइज, यहाँ पे इसकी टेल लाइट का है और वो नीचे रिफ्लेक्टर है जिस पर थार लिखा हुआ है। ये ब्रेक पे मतलब ज़्यादा ग्लो करते हो और मतलब नॉर्मली में ऐसे दिखते हैं पीछे से। ये लुक चेकआउट कर सकते हो गाड़ी की पीछे से कैसे आ रही है। जो स्टेपनी वाला टायर है वो भी अपना चेंज करा रखा है। ये लुक अपने जिसके भाई भी थार ओनर जो है वो ये लुक सजेस्ट कर रहा हूँ उनके लिए, भाई ये लुक आप कर सकते हो अपनी गाड़ी पे। काफ़ी बेसिक लुक है, बम्पर वम्पर कोई चेंज नहीं भाई, बस अलॉय चेंज कराओ, थोड़ा सा ग्रिल चेंज कराओ, हेडलाइट्स, और गाड़ी आपकी तैयार हो जाएगी बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल लुक की। भाई ऑब्वियसली बात है, एक तो थार है, गैंगस्टर लुक तो वैसे ही है इसमें, पर ये सब चीज़ें करा के गाड़ी की लुक काफ़ी निखर के आती है। बाकी इसमें भाई काम जो हो रखा है वो अंदर की तरफ से हो रखा है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सो गाइज ये आगे गाड़ी के अंदर, और मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ इसमें गाड़ी में क्या क्या काम हो रखा है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ये भाई कार्बन फाइबर फिनिश में डिप कर रखा है। सेंटर कंसोल का पैनल जो है एक ही, यहाँ पे इसका डोर पैनल डिप कर रखे हैं यहाँ पे, ये कार्बन फाइबर में। और भाई स्टेयरिंग व्हील पे फुल रैप्ड है लेदर पे, इसमें डुअल टोन करा रखा है, ये बेज और ब्लैक फिनिश में करा रखा है, क्योंकि गाड़ी का इंटीरियर जो है वो इसी मैचिंग होता हुआ है बेज और ब्लैक से। डोर पे जो कार्ड्स है, डोर के जो बोर्ड्स हैं इन पे ये वाला जो फिनिश है ये भी करा रखी है बाहर से, ये कंपनी से नहीं आती, उसमें प्लेन ब्लैक आते हैं कंपनी में, जैसे आपने चेकआउट करा होगा बाकी थार्स में। और ये यहाँ पे लेदर फिनिश करवा रखी है यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग देने के लिए, और गियर लीवर को बेज फिनिश में कर रखा है, और इसका जो 4x4 का है इसको भी चेंज कर रखा है, इस पर भी पूरी फिनिश दे रखी है अच्छे से, ये चेकआउट कर सकते हो। बीच में लगा रखा है हैंड रेस्ट,
इस पर भी काफी कुशन ही है, ये काफी अच्छा फील देता है। बाकी मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, पेट्रोल मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है ये थार का। भाई पेट्रोल वेरिएंट जो लेते हैं भाई उनकी हिम्मत ही है यार, मतलब पेट्रोल वेरिएंट चला रहे हो आप लोग। ये आप भाई गाड़ी हमने कर लिया स्टार्ट, ये चेकआउट कर सकते हो आप, इसमें पेट्रोल की बत्ती जली हुई है भाई। तो इसमें बाकी म्यूजिक सिस्टम का काम हो रखा है, इन्फिनिटी के स्पीकर्स लगवा रखे ऊपर यहाँ पे थोड़े अच्छे आउटपुट के लिए, क्योंकि भाई थार में ना बेसिकली क्या होता है कि लोगों का म्यूजिक सिस्टम इतना अच्छा हो नहीं पाता, क्योंकि थार में स्पेस भी एक थोड़ा कम है, कंजस्टेड है, तो बेस बनने की जगह नहीं रहती इसमें। बस ये थोड़ा सिंपल सा सिस्टम लगवा रखा है बिना बेस का, ट्विटर्स अपने वहाँ दो प्रोवाइडेड है इसमें, एक एम्प लगवा रखा भाई ने, और ये यहाँ पे भाई एम्बिएंट लाइटिंग का काम करा रखा है। बाकी भाई ये पेट्रोल में काफ़ी अच्छी मेरे को लगी, क्योंकि एक जो पावर 150 bhp इसमें प्रोवाइड कर रखी है महिंद्रा ने, सो भाई पावर है तो भाई कहीं भी ले जा सकते हो इसको। ऊपर से 4x4 है, अब तो 4x2 आने लगी है पेट्रोल में, डीजल में, सब में। बाकी गाइज इसमें इंटीरियर में तो बस यही काम हो रखा है, और भाई काफ़ी अच्छा काम है। जो इसका कॉस्टिंग आई थी वो अराउंड 30-35,000 आई थी इंटीरियर की, जो ये करा है सीट को बेज और ब्लैक फिनिश में करा है, जो इंटीरियर रैप करा है, लेदर रैप करा है सारा, स्टेयरिंग व्हील रैप, बाकी सारी चीज़ को, मतलब इन सब चीज़ों का खर्चा 30-35,000 आपका आ जाता है, उसमें इंक्लूसिव होता है अगर आप छत भी रैप कराना चाहो तो। छत भी इसी चीज़ में रैप हो जाएगी रूफ गाड़ी की, पर भाई ने करवाई नहीं, क्योंकि उसके लिए छत खोलनी पड़ती है, फिटिंग खुलती है उसकी पूरी, और फिर वो फिटिंग वैसे बैठती नहीं है जैसे मतलब कंपनी फिटेड आती है, फिर उसमें वाटर लीक करता, बाकी सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी गाइस इसमें यहाँ पे भाई डैश कैम का प्रोवाइड कर रखा था, भाई ने लगवाया नहीं, सिक्योरिटी रीजंस कह लो या कैसे भी कह लो, भाई घर वालों को पता ना चल जाए कहाँ गया कहाँ नहीं, मेन चीज़ हो जाती है वो। तो आप अगर चाहो तो भाई ऐसा करा सकते हो। बाकी मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ पीछे की सीट्स कैसी है। पीछे की सीट्स भी गाइज पूरी रैप्ड है, लेदर रैप्ड है अच्छे से, वहाँ पे आर्मरेस्ट दे रखा है, कप होल्डर पे भी भाई देख लो लेदर रैपिंग कर रखी है, और इस साइड भी कप होल्डर और आर्मरेस्ट पे रैपिंग कर रखी है अच्छे से। सो आप चेकआउट कर सकते हो कैसे लग रही है लुक, मतलब यार काफ़ी, एक तो बेज कलर ब्लैक कलर का इंटीरियर ना काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर, क्योंकि एक क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं दे रहा, काफ़ी एयरी फील दे रहा है। वैसे तो है तो इसका इंटीरियर क्लोस्ट्रोफोबिक, पर ये बेज होने के बाद थोड़ा सा भाई थोड़ी सी एयरी फील दे रहा है इंटीरियर को। बाकी गाइज आप जानते ही हो थार के बारे में, यहाँ से अपना भाई सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये अपने इन्फोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स नॉर्मल है, भाई ने वो लगवाया नहीं क्योंकि भाई उसमें भी थोड़ा सा इशू रहता है, जो मर्सिडीज़ वाले आते हैं उसमें पूरा ये निकल के फिर वो लगता है, तो उसमें एयर थ्रो का थोड़ा इशू रहता है, फिर वो ज़्यादा मतलब एयर फ्लो उनका ज़्यादा होता नहीं है उसमें से, वेंट में से, सो इसलिए भाई ने लगवाया नहीं वो। बाकी भाई ये यहाँ पे 4x4 का लीवर दे रखा है, 4 हाई 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो, तो भाई 2 हाई पे कर रखी है भाई ने, न्यूट्रल नहीं नॉर्मल है। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं है इसमें, ये USB टाइप सी है, और ये नॉर्मल USB पोर्ट प्रोवाइड कर रखा है, और ये ऑक्स का है। ये यहाँ पे भाई सीट बेल्ट ऑन या ऑफ करने का है, जब भाई आगे पैसेंजर सीट बेल्ट का, ये सीट बेल्ट वार्निंग का है, और ये अपना भाई नॉर्मल पार्किंग के लिए दे रखा है। ट्रैक्शन कंट्रोल का इधर दे रखा है, और हिल डिसेंट कंट्रोल भी है यहाँ पे, बाकी सारे MIDK कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। ये हेडलाइट लेवलर है, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो MID में, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इन्फो के चेंज करने के लिए। बाकी गाड़ी भाई ये 20,000 चली हुई है अभी, सिर्फ 2 साल में 3 साल होने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2024 स्टार्ट हो चुका है। बाकी गाइज इसमें सारी चीज़ नॉर्मल ही है, बाकी मैं बाहर लेके चलता हूँ थोड़ा सा भी, इसकी 2-4 चीज़ें जो आपको दिखानी थी वो मैं और दिखा देता हूँ कि भाई आप कैसे अपनी गाड़ी को तैयार करा सकते हो ऑन बजट, मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख में आप अपनी गाड़ी पूरी अच्छी तरीके से तैयार करा सकते हो, अगर आप चाहते हो तो अच्छे से, मतलब एक बेसिक लुक के साथ काफ़ी अच्छी हैवी लुक दे जो गाड़ी को, क्योंकि टायर मेन चीज़ जो थार में होता है कि वो भाई जो कंपनी फिटेड टायर आते हैं वो इतने अच्छे होते नहीं है, और जो मतलब भाई ने ऑल्टरनेट टायर लगवा रखे गाड़ी में वो काफ़ी मतलब हैवी लुक दे रहे हैं नॉर्मल बेसिक अलॉयज पे जो गाड़ी के साथ आते हैं, तो आप वो चीज़ करा सकते हो। बाकी मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ थोड़ा। ये इंटीरियर के कुछ फाइनल शॉट्स है, इसके लुक्स है जो इंटीरियर की है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे की है, ये फ्रंट की है, और चेकआउट कर सकते हो कैसा इंटीरियर, भाई बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें,
मेरे को तो काफ़ी पर्सनली पसंद आया। मतलब एक होता है कि भाई गाड़ी को जो लुक दे देता है वो वाली चीज़ करा रखे भाई ने इसमें, और एम्बिएंट लाइट भाई ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है कि भाई पीछे भी करा रखे, खाली आगे आगे डोर्स पे और डैश पे दोनों साइड, इधर भी और उधर भी दोनों साइड करा रखी है। बाकी ये आप कुछ चेकआउट कर सकते हो, इसका कार्बन फाइबर फिनिश भाई काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके डोर पैनल्स पे भी है भाई फिनिश, कार्बन फाइबर फिनिश काफ़ी अच्छा लुक दे रही है, एक तरह से निखर के आ रही है। बाकी ये कुछ इंटीरियर है गाइज इसका, और भाई ये कुछ थी हमारी थार भाई की। बाकी गाइज अगर आपको कोई गाड़ी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो वीडियो को, और भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट।